तो देखिए दोस्तों, अगर आप बीएड या एमएड करना चाहते हैं तो इसके लिए बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म यहाँ पर आ गए हैं और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इन्हें 12वीं भी किया है तो आप 12वीं के बाद भी यहाँ पे बीएड कर सकते हैं, और इसके साथ अगर आपने यहाँ पे बीएससी या बीए किया है तो भी आप बीएड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बीएड कर लिया है और अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए यहाँ पर जो है फॉर्म आ गए हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर दें। तो चलिए यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या योग्यता रखी गई है और किस प्रकार से यहाँ पर इसका पेपर कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, तो पूरा चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। साथ ही हम आपको ऑफिशियल साइट भी यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बीएड एमएड और के लिए यहाँ पे क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि 12वीं के बाद 4 साल की पढ़ाई कर बने अध्यापक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पे देहरादून के न्यूज़पेपर में कि अगर आप 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं या 12वीं पास कर चुके हैं और टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। इस प्रवेश परीक्षा के लिए 8 संस्थानों में दाखिला का मौका मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण जो तिथियाँ देखें अगर आप, तो ऑनलाइन जो आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है 4 मई 2020 है, तो इससे पहले आप आवेदन कर दें। एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड जो है वो आपके 12 मई से 23 मई के बीच हो जाएंगे, और वहीं अगर हम बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 24 मई 2020 को रखा गया है। तो देखिए इसमें यहाँ पर किस किस चीज़ के लिए आप आवेदन कर सकते हो, BSc BEd है, BA BEd है, MSc MSc Ed है, वहीं इस और इन सभी के जो रिज़ल्ट हैं ये 5 जुलाई 2020 को यहाँ पर घोषित कर दिए जाएंगे, और इसके साथ यहाँ पे बीएड और एमएड का रिज़ल्ट जो है ये 10 जुलाई को यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बीए बीएससी बीएड एमएड इन सभी के यहाँ पे फॉर्म निकले हुए हैं, तो इनको आप आवेदन कर सकते हैं। आप देखिए किस कोर्स के लिए क्या क्या जरूरी है योग्यता की बात करें, तो अगर देखिए बीएड करना चाहते हैं आप तो इस कोर्स के दाखिले के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है या कोर्स 2 साल का होगा। तो देखिए अगर आप बीएड करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का वो टाइम लगेगा, और अगर आप यहाँ पर 12वीं के बाद हैं तो आपको बता दें तो उनके लिए यहाँ पे बीए बीएड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे साइंस कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम में से कम 50% अंकों के लिए 12वीं के पास होना ज़रूरी है या कोर्स 4 साल का होगा। तो देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पे, अगर आप 12वीं वाले हैं तो आप, अगर आपने बीए किया हुआ है, अगर मतलब आर्ट्स साइंस वाले हैं तो आपको बीए बीएड डालना पड़ेगा, साइंस वाले हैं तो बीएससी बीएड, और अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन पहले ही कर लिया है तो आपको यहाँ पर बीएड वाला ऑप्शन डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भरना है आपको। तो देखिए बीएससी बीएड के लिए क्या है, तो यहाँ पे पीसीएम सीबीजेड या पीसीबी से 12वीं पास हो, या इसके समकक्ष अगर हम बात करें तो 2018-2019 या वर्ष 2019 या इसी वर्ष जो अभी चल रहा है 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्र भी ही आवेदन कर सकते हैं, या कोर्स 4 साल का होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि बीए अगर आप 12वीं के बाद हैं तो बीए बीएड, अगर आर्ट्स साइंस वाले हैं साइंस वाले हैं तो बीएससी बीएड, अगर आपने 2018 में किया है 2019 में किया है, या अगर आपने अभी भी अगर आपने 12वीं का पेपर दिया है तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ है एमएड के भी फॉर्म निकले, तो एमएड के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ आपका बीएड होना चाहिए, या बीए बीएड होना चाहिए, या बीएससी बीएड होना चाहिए, या बीएलएड होना चाहिए, या ग्रेजुएट ग्रेजुएशन जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है आवेदन कर सकते हैं, या कोर्स जो है ये 2 साल का होगा। अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो 2 साल का होगा। वहीं एमएससी जो एड है इसके लिए साइंस स्ट्रीम वाले जो हैं छात्र आवेदन कर सकते हैं, और ये कोर्स जो है वो 6 साल का होगा। तो एमएससी, और आपको बता दें इसमें सफलता के अपार मौके होते हैं, और इसके लिए जो है यहाँ पर ऑफिशियल जो है ऑनलाइन की ऑफिशियल साइट दी गई है। तो चलिए हम यहाँ पर ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से इसकी ऑफिशियल साइट है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं आवेदन। तो देखिए यह है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप जो है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर से आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कोर्स हैं वो कौन कौन से यहाँ पर अभी जो है फॉर्म जिसके आपको भरना है, कोर्स पर आपको क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर डिटेल से इसकी जानकारी दे सकते हैं। देखिए यह है यहाँ पर बीएड का, यह है बीए बीएड बीएससी बीएड। अब देखिए बीएड, तो बीएड वाले
पहले ऑप्शन में वो भरेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, और जिन्होंने 12वीं के बाद अगर जो कोई 4 साल कोर्स करना चाहते हैं आर्ट्स वाले हैं तो वो बीए बीएड वाले पे क्लिक करेंगे, जो साइंस वाले हैं 12वीं के बाद करना चाहते हैं बीएड तो बीएससी बीएड पे करेंगे, जिन्होंने बीएड कर लिया है वो यहाँ पे एमएड करना चाहते हैं तो एमएड वाले पे क्लिक करेंगे, और जो यहाँ पर एमएससी एमएड करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं एमएससी एड। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल आपको सबकी मिल जाएगी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है क्या क्या चीज़ चाहिए। 2 साल का यहाँ पर आपका बैचलर एजुकेशन होना चाहिए किसी भी चीज़ से, यहाँ पे बीएड होना चाहिए, तो ये देख सकते हैं इसके लिए पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है, और इसके साथ ही यहाँ पर हर चीज़ के लिए दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए क्या चाहिए, 12th में क्या क्या चाहिए, और यहाँ पर कितने साल का कोर्स होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। साथ ही यहाँ पे ये भी बताया है कि सीटें कहाँ पर कितनी हैं, ये भी बताया गया है। वहीं अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो एमएड के लिए भी पूरी एलिजिबिलिटी दी गई है, किस जगह पर साइंस की कितनी सीटें हैं, आर्ट्स की कितनी सीटें हैं, तो ये आप देख सकते हैं बीएड के लिए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर एमएड की बात कर लेते हैं, हम एमएड देख लेते हैं, तो ये देखिए एमएड हो गया, एमएससी एड, इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे मांगा गया, कहाँ पर कितनी सीटें हैं, मैथमेटिक्स ग्रुप कितनी है, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जो है इसकी ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर जा करके, और यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड से हैं, और अगर आप एचएनबी से करना चाहते हैं बीएड, या तो आपको बता दें कि एचएनबी से भी यहाँ पर आप बीएड कर सकते हैं, इसके लिए अभी फॉर्म नहीं आए हैं तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एमएससी जो एचएनबी का बीएड होता है उस और जो उत्तराखंड में, उसके अभी टाइम लगेंगे, तो जैसे उसके फॉर्म भी आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये उनके लिए हैं अगर जो यहाँ पर 12वीं के बाद बीएड करना चाहता है, और अगर आप वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से करना चाहते हैं तो उनके लिए हैं, अगर आप एचएनबी से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको